हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए गुल्लड़ की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा केजी गुल्लड़ लिया है। गुल्लड़ को इंग्लिश में कस्टर्ड फिग भी कहते हैं, क्योंकि ये फिग की तरह होता है दिखने में। ये छोटा वाला हमारा गुल्लर है, तो गुल्लर को इस तरह जो लटके हुए डंटल होते हैं ना, उससे हम अलग कर देंगे। एक एक गुल्लर को हम अलग कर लेते हैं। गुल्लर बहुत ही फायदेमंद होता है। गुल्लर में बहुत ही आयरन की मात्रा पाई जाती है। इसका सब्जी खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये इतना फायदेमंद होता है कि इसे हमें सप्ताह में एक दिन जरूर खाना चाहिए, अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरा छोटा वाला गुल्लर है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बीज नहीं है। तो मैं इसी तरह से ऊपर वाले पोर्शन को कट कर लूँगी और इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और अगर आपका जो गुल्लर है थोड़ा बड़ा है, तो बीच में कट करके उसके बीच का बीज को साफ कर लीजिएगा, नहीं तो बीज जो है वो खाने में मुंह में आती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो ये हमारा बहुत ही छोटा छोटा गुल्लर था, तो मैंने यहाँ पर इस गुल्लर को कट कर लिया है। और आप देख सकते हैं सभी को मैंने कट कर लिया है। कट करके मैं इसे धो लेती हूँ अच्छे से। एक तरफ गैस पर हम एक पैन लेंगे, और पैन में मैं पानी गरम कर लेती हूँ, और जो हमने गुल्लर को धो लिया है धोकर, मैं इसमें डाल ले रही हूँ ताकि इसे उबाल सकूँ। और इसी में मैं थोड़ा सा नमक डाल लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालेंगे। और थोड़ा सा मैं तेल डाल रही हूँ, क्योंकि गुल्लर में थोड़ा सा दूध जैसा होता है, तो उसके कारण अगर बॉयल करते हैं तो किनारे लग जाती है। ये देखिए 5 मिनट हमने बॉयल किया है। इसके बाद देखिए ये गुल्लर पक चुका है। तो हमें इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को बंद करके इसे हम छन्नी में छान के स्टेन कर लेते हैं। और एक तरफ हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे गैस पर, और इस पर मैं 3 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ, और गुल्लर को मैं इस तरह से फ्राई करूँगी। एक बार आप इस तरह से फ्राई करके गुल्लर की सब्जी ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से आप अगर बनाकर खा लिए तो आप बार बार इसी तरह से आप बनाएंगे। तो मैं इसे हाई से मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हमें इसे हल्का सा ही भुनना है। जब थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो मैं इसे निकाल लूँगी। हम इसमें तेल छोड़ देंगे और सिर्फ गुल्लर के पीसेस को निकाल लेंगे। जो बचा हुआ तेल है वो मेरा करीबन 2 टेबलस्पून बच गया था, तो मैंने 1 टेबलस्पून और तेल डाला है, और ये हमारा 3 टेबलस्पून तेल हुआ। उसमें मैं 1/2 टीस्पून साबुत जीरा डालूंगी, और जब जीरा चटक जाएगा तो मैं इसमें 2 प्याज डाल दे रही हूँ कट करके स्लाइसेस में। और इसे हमें थोड़ा सा भुनना है, बस इसे हमारा कलर चेंज हो जाए। और साथ में मैं इसमें डाल दे रही हूँ हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च लिया है। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अगर आपको और तीखा खाना है तो आप मिर्च को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, और मैंने यहाँ पर तेज़पत्ते लिए हैं, जावित्री लिया है, 2 हमने सूखा लाल मिर्च लिया है, हरी इलायची, बड़ी इलायची, 1 चक्री फूल लिया है, और 1 दालचीनी और 3-4 हमने लौंग लिया है, और 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, गोलकी ली है मैंने 10 से 12, और 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया लिया है, और इसमें 1/2 टीस्पून हम हल्दी डाल देंगे, और 1/2 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ कलर के लिए। और इन सभी मसालों को हम सूखा ही ग्राइंड कर लेंगे। हम इसमें बिना पानी डाले हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने ग्राइंड कर लिया है, और तब तक ये हमारा जो प्याज है वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है और गोल्डन कलर आ गया है। तो यहाँ पर मैं टमाटर डाल दे रही हूँ। तो मैंने 1 टमाटर लिया है, और इसे डालकर इसे भून लेंगे।
इसे बस हल्का सा बस ये सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे भूनकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था जो मेरा स्किप हो गया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आप यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल लीजिएगा और उसे टमाटर के साथ भून लीजिएगा ताकि उसका कच्चापन दूर हो सके। और इसमें जितने भी हमारे सूखे मसाले हैं ना, 1 से 2 मिनट भूनने के बाद सूखे मसाले हम डाल लेंगे। और सूखे मसाले को हमें भूनना है। और साथ में मैं नमक डाल दे रही हूँ ताकि हमारा जो मसाले हैं वो अच्छे से भून जाए। और इसे तब तक भूनेंगे तब तक जब तक इसका ऑयल रिलीज ना होने लगे। तो मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेंगे। तो ये हमारे मसाले भूनकर रेडी हो गए हैं। अब देख सकते हैं साइड साइड से ये हल्का हल्का सा तेल छोड़ रहा है। मैंने बहुत ही कम तेल में इसे बनाया है। और इसमें जब हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे, तेल छोड़ने लगेंगे, तो मैं इसमें डाल दूंगी गुल्लर जो हमने भून कर रखा है। और इसे बस हमें मसालों में मिक्स करना है क्योंकि ये तो पहले से पका हुआ भी है और ये फ्राई भी किया हुआ है। तो इसे बस हम मसालों में मिक्स कर लेते हैं, बस अच्छे से मसालों के साथ ये कोट हो जाए। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है गुल्लर को। आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये मसालों के साथ मिक्स हो गई है। तो मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और पानी आप अपने रिक्वायर के अनुसार डाल सकते हैं। तो मैंने अभी 1 गिलास पानी डाला है और ये लगभग मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि इसे जब हम हल्का सा पकाएंगे तो वो सोख हो जाएगी, तो बहुत कम एकदम ड्राई हो जाएगी। ये सब्जी ड्राई ही अच्छी लगती है, पर अगर आपको रोटी के साथ खानी है तो आप इसे थोड़ा सा ग्रेवी रखिए। अगर आपको चावल के साथ खानी है तो इसे आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। और इसे मैं ढक दूंगी, ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। देख सकते हैं कि ऊपर से जो ऑयल है वो अच्छे से इस पर दिख रही थी। बस हमें इसे मिक्स कर लेना है। ये हमारा सब्जी बिल्कुल बनकर रेडी है। मैं इसे निकाल लेती हूँ बाउल में। देख, बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। एक बार आप इस तरह से ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये मटन चिकन से कम नहीं लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उन्हें बहुत ही पसंद आती है ये सब्जी। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।